हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। कुकिंग विद शिप्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ स्वीट कॉर्न की। स्वीट कॉर्न तो हम कई तरीके से खाते हैं, लेकिन आज मैं बनाने वाली हूँ इसकी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सबसे पहले स्वीट कॉर्न को इसमें से थोड़े दाने अलग कर लूँगी। पहले स्वीट कॉर्न के दाने मैंने अलग कर लिए हैं और अच्छे से धो लिए हैं। बहुत सॉफ्ट हैं ये। तो चलिए अब इसकी कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं। इधर मैंने कुकिंग ऑयल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और तब तक हम इसकी कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के, दही के मसाले में। तो इसके लिए मैंने पहले जो है एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दही ले लूँगी घर की जमी हुई, और इसमें हम डाल देंगे सारे बेसिक्स मसाले। इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, चिली पाउडर, और डाल देंगे धनिया पाउडर, और इसका एक थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमने बना लिया है, पेस्ट हमारा रेडी है, और इधर ऑयल भी गर्म हो गया है। तो सबसे पहले इसमें तो हम डाल देंगे एक हींग जीरे का बघार दे देंगे, एक तेज पत्ता भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये पूरा इसमें पलट देंगे, और इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि दही का मसाला है। जब तक दही में अच्छे से उबाल नहीं आ जाए इसको मैं चलाती रहूँगी। इस तरह से मसाला अच्छे से भून रहा है। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको भी भून लेंगे अच्छे से। मसाला अच्छे से भून रहा है, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी क्रीम, इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब मैं ये कॉर्न जो है सब इसमें डाल दूंगी। अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे और 10 मिनट तक इसको पकने देंगे। कॉर्न की सब्जी बनके तैयार है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।